ये मतलब लोगों लोग इस पे मतलब ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्या है रियलिटी, क्या सच्चाई है? ये सिर्फ एक कला है, ये सिर्फ एक कला है। जी हाँ, दिमाग को घुमा देना ही सबसे बड़ा जादू। तो सबसे ज्यादा टफ जो आपका, आपके हिसाब से कौन मतलब खेल लगता है सबसे टफ? सबसे टफ खेल हम लोगों का होता है लेडी कटिंग। लेडी कटिंग, लेडी कटिंग। ऐसे आप कितने साल से ये करते आ रहे हैं? हम हो गया 38 38 ईयर्स। जी। आपके टीम में कितने लोग होते हैं? हमारी टीम में कम से कम 15 लोग। सच्चाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ नजरों का धोखा है। इंसान की सोच जहाँ से खत्म होती है वहाँ से जादू चालू होता है। दुनिया एक जादू का खेल है, जो मिला वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार उमेश यादव ब्लॉगर में। दोस्तों मैं फिर से एक बार सोनपुर मेला में आ गया हूँ और मैं हर एक अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो अभी मैं इसके सम्राट जादूगर के पास आया हूं और मैं इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज तक आपने किसी भी जादूगर का पर्दे के पीछे से आपने कभी देखा नहीं होगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं पर्दे के पीछे, पर्दे पे नहीं है ये। तो सर सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम क्या हुआ पहले? नाम तो हमारा है दीपक पाशा। अच्छा, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, इसके सम्राट जादूगर कैसे बन का नाम है? क्या बोले? हमारी फर्म का नाम है इस कंपनी का। अच्छा, अच्छा। जी हाँ। तो ये जादूगर आप कहाँ से सीखे? ये हमने बनारस से सीखा। बनारस से? जी। अच्छा, ये मतलब लोगों लोग इस पे मतलब ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्या है रियलिटी, क्या सच्चाई है? ये सिर्फ एक कला है। ये सिर्फ एक कला? जी हाँ, दिमाग को घुमा देना ही सबसे बड़ा जादू है। अच्छा जी हाँ। ये सिर्फ कला करते हैं आप, कला को दिखाते हैं आप अपना, तो इसका प्रैक्टिस आपने कहाँ किया, मतलब आपका ग्रुप कौन है? ये हमारा ग्रुप बनारस का था। बनारस का? जी। अच्छा। हमारे उस्ताद का नाम है प्रोप्राइटर अब्दुल जब्बार। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो कितने साल में आप ये चीज को सीखे थे? मतलब इस चीज को सीखने में हमको करीबन 5 साल लगा। 5 साल लगा था? बनारस में ही सीखे थे? बनारस में ही सीखे थे। अच्छा, तो उस समय आपका एज कितना था? उस समय हमारी एज थी 20। जी हाँ। अच्छा, तो आप प्रॉपर बनारस के ही रहने वाले? रहने वाला मैं इलाहाबाद का हूँ लेकिन रहता बनारस में हूँ। अच्छा, बनारस। जी हाँ। तो ऐसे मतलब हर मेला में जाते रहते हैं, जो बड़ा बड़ा मेला लगता है वहाँ पे जाते रहते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, हमारा काम ही मेले का है, जहाँ भी मेला लगता है वहाँ हम जाते हैं। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो आप कितने टाइप का मतलब जादू दिखाते हैं, कितना टाइप है आपका? खेल तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ। लेकिन मेले में अगर हम खेल दिखलाएंगे ना, हाँ, 3 घंटे का शो करेंगे, हाँ, तो रोटी का भी पैसा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का प्रोग्राम करते हैं मेले में। 20 मिनट का? जी हाँ। इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा टफ जो आपका, आपके हिसाब से कौन मतलब खेल लगता है सबसे टफ? सबसे टफ खेल हम लोगों का होता है लेडी कटिंग। लेडी कटिंग? लेडी कटिंग। अच्छा। उसके बाद ये लड़की गायब करना, टाइम स्पेस। अच्छा अच्छा, ये सब हमारे मेन खेल है। पंछी को गायब कर देना, पंछी को पैदा कर देना, खाली बक्से से सामान पैदा करना। इसी तरीके बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हम लोगों को दिखा के मनोरंजन करते हैं। ऐसे आप कितने साल से ये करते आ रहे हैं? हम हो गया 38 38 ईयर्स। अच्छा अच्छा जी। आपके टीम में कितने लोग होते हैं? हमारी टीम में कम से कम 15 लोग होते हैं। 15 लोग? जी। अच्छा, सबका ट्रेनिंग आप ही देते हैं कि वो ट्रेंड होके आते हैं? नहीं, जो लेबर क्वालिटी के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग अलग है, और जो हमारे मंच के कलाकार हैं उनकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। अच्छा, उनको आप खुद ट्रेन, जैसे मान लीजिए कि किसी गर्ल्स को आप काटते हैं तो उसका ट्रेनिंग आप खुद देते हैं या फिर वो? हम ही देते हैं। आप खुद ट्रेनिंग? जी हाँ। अच्छा, उसका सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? सच्चाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ नजरों का धोखा है। इंसान की सोच जहाँ से खत्म होती है वहाँ से जादू चालू होता है। अच्छा, इंसान की जहाँ से सोच खत्म होती है वहाँ से जादूगर स्टार्ट होता है, इसी का नाम जादू है। और अगर हम जादू जानते तो इस मेले में ना घूमते। बिल्कुल सही। बस ये एक कला है और आप अपना कला दिखा के पैसा कमाते हैं। मनोरंजन है, पारिवारिक खेल है, माँ बहन भाई बेटी सभी लोग एक साथ बैठ करके देख सकते हैं इस खेल को। अच्छा, अच्छा। सबसे बड़ी बात इसमें ये। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया एक जादू का खेल है,
जो मिला वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना। क्या ये सच है? यही सच है, यही सच है। चलिए बहुत अच्छा लगा। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है हाथ का हुनर। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ है ही नहीं हमारी नज़र में। जिसके हाथ में हुनर है उसके हाथ में दौलत है, और जिसके हाथ में हुनर नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा दौलत होता है हाथ का हुनर। अगर आपके पास हुनर है तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मर सकते। किसी भी कोने में रहेंगे ऊपर वाला आपको देगा। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मिलके, और आप अपना कीमती समय निकाल के हमको दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सब लोग ऐसा समय नहीं निकाल के देते, और आप पर्सनली मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों के लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम पब्लिक में हमको देंगे। बस सबसे बड़ी खुशी यही है, हम एक कलाकार हैं, हमको शोहरत चाहिए। पैसा तो हम कमाते हैं लोगों को खुश करने के लिए, हम इसलिए सब प्रोग्राम करते हैं, और लोगों को खुश करना ही हमारी खुशी है। एक कलाकार का सिद्धांत यही होना चाहिए कि लोगों को खुश करके तुम खुश रहो तब मज़ा आता है, ऐसे नहीं। अब अकेले तो सारी दुनिया खुश है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, चलिए ठीक, थैंक यू।